नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज की इस नई वीडियो में हम आपको सवाना कंपनी की धान की दो बहुत ही बढ़िया और उन्नतशील वैरायटी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। किसान भाइयों, आज जिस वैरायटी के बारे में हम बात करने वाले हैं, किसान भाई इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, बहुत ढेर सारे किसान भाई इसे अपने खेतों में ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं, क्योंकि यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, अच्छा मुनाफा भी होता है। साथ में दोस्तों, यह जो वैरायटियां हैं समय से जल्दी तैयार हो जाती हैं, जिससे आप धान की फसल काटने के बाद अन्य फसल को समय से लगा सकते हैं, या इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और ये इसकी एक खास बात है। दोस्तों, आज की हमारी यह जो वैरायटी है सवाना कंपनी की, वह है 127 और 134। दोस्तों, यह दोनों ही वैरायटियां इस कंपनी की बहुत ज़्यादा फेमस हैं, किसान भाई इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं। पूरे भारत में जो भी किसान भाई इसे लगाए हैं वह एकदम संतुष्ट हैं, और आज की इस वीडियो में हम आपको उन किसान भाइयों के बारे में उनकी बात भी सुनवाएंगे जिन्होंने इसे पिछले साल लगाया था, वे क्यों लगाए थे और उन्हें क्या मुनाफा मिला, वे क्यों खुश हैं इस वैरायटी को लगाकर। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, आज की हमारी जो धान की वैरायटी है 127 और 134 सवाना कंपनी की, दोनों ही वैरायटी बहुत ही बढ़िया है। यह सवाना कंपनी की टॉप 2 हाइब्रिड वैरायटी है। अगर आप इसे एक बार लगाते हैं अपने खेतों में तो आप दोबारा अपने आप इस वैरायटी को लगाएंगे। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही उन्नतशील वैरायटी है, खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है, मार्केट में आपको अच्छा रेट मिलेगा, अधिक उपज है इसमें, ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। साथ में आप इसे स्वयं खाने के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं, ज़्यादा आपको खाद डालने की आवश्यकता नहीं है, कम सिंचाई में यह तैयार जाती है। अगर आप रोपाई करके इसे बेरन डाल के रोपाई करके लगाना चाहते हैं तो वैसे लगा सकते हैं, नहीं तो आप सीधी बुवाई भी इसकी कर सकते हैं, दोनों ही माध्यम से आप लगा सकते हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगी। दोस्तों, आज की हमारी यह जो दोनों वैरायटियां हैं बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा खूबी वाली वैरायटियां हैं, ये बहुत ही उन्नतशील वैरायटी है, खाने में बहुत स्वादिष्ट है और मार्केट में इसे आपको अच्छा रेट भी मिलेगा जब आप बेचने जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके दोनों वैरायटियों के बारे में जानकारी देंगे आपको। सबसे पहले हमारी जो पहली वैरायटी है वह है 127। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। हमारी जो यह वैरायटी है 127, दोस्तों सवाना कंपनी की, बहुत ही कम दिन में पककर तैयार हो जाती है। ये अर्ली मेच्योरिटी की वैरायटी है, इसकी जो फसल अवधि है वह 120 से 125 दिन के अंदर पाई देखी गई है। दोस्तों, इस वैरायटी में बैक्टीरियल ली ब्लास्ट के प्रति जो सहनशीलता या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता की हम बात करें तो वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है। इस वैरायटी में ब्लास्ट रोग नहीं लगता है। साथ में दोस्तों, यह वैरायटी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गिरती नहीं है। आजकल हम देखें तो जो अन्य वैरायटियां हैं उनके इसके कंपैरिजन में वह ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में जैसे ही मौसम ख़राब होगा, ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो वह गिर जाएंगी, ऐसी समस्या आपको इस वैरायटी में देखने को नहीं मिलेगी। अगर इसके हम बाल की लंबाई की बात करें तो वह 20 सेंटीमीटर के बीच में देखी गई है। पौधे की लंबाई 100 से 110 सेंटीमीटर के बीच में होती है। दोस्तों, इसके जो दाने होते हैं वह लंबे होते हैं और थोड़ा मोटे होते हैं, खाने में स्वादिष्ट होती है। या जो वैरायटी है हमारी, ये जल्दी पककर तैयार हो जाती है, जिससे आप धान की फसल काटने के बाद आलू की या फिर मटर, गेहूं, सरसों की जो भी फसल आप धान की कटाई करने के बाद लगाना चाहते हैं वह आप लगा सकते हैं, समय पे आपका खेत समय पे खाली हो जाएगा। साथ में दोस्तों, इस वैरायटी में आपको बहुत ज़्यादा खाद डालने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। और दोस्तों, अगर हम बात करें सिंचाई की तो यह 2-3 सिंचाई में आराम से तैयार हो जाती है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, बहुत ज़्यादा ऐसे परेशानी नहीं होती है। अगर हम बात करें इसके ग्रेन क्वालिटी की यानी दाने की क्वालिटी की तो वो बहुत ही बढ़िया होती है। दोस्तों, इसकी 2 किलो की पैकिंग मार्केट में अवेलेबल है, आपको जितना आवश्यकता हो उतना आप लगा सकते हैं। एक एकड़ खेत के लिए आपको 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे आप बेरन डालकर लगाएं या फिर आप सीधी बुआई कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें उसके उत्पादन की तो 127 की जो उत्पादन क्षमता है 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ का ये उत्पादन निकाल कर आपको देगी। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी वैरायटी है। किसान भाइयों, आज की हमारी जो धान की दूसरी वैरायटी है वह है 134।
दोस्तों यह वैरायटी भी अर्ली मैच्योरिटी की होती है। इस वैरायटी की जो फसल अवधि है वह 120 से 130 दिन की होती है। दोस्तों इस वैरायटी में अगर हम बात करें रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में, तो दोस्तों इस वैरायटी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इस वैरायटी में बैक्टीरियल ली ब्लास्ट, स्टेम बोरर, कंडवा रोग, हल्दी रोग या फिर और भी जो अन्य प्रकार के धान में रोग लगते हैं, उन सभी के प्रति बहुत ही ज़्यादा सहनशीलता देखी गई है। दोस्तों इस वैरायटी के जो पौधे की लंबाई होती है वह 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। बाल की लंबाई 20 सेंटीमीटर तक तकरीबन देखी जा रही है। अगर हम बात करें इस वैरायटी के उत्पादन क्षमता के बारे में, तो यह वैरायटी आपको 30 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन निकाल कर दे सकती है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, अच्छा उत्पादन निकाल कर देती है। दोस्तों इस वैरायटी को आप बेरन डालकर भी अपने रोपाई कर अपने खेतों में लगा सकते हैं। साथ में अगर आप सीधी बिजाई करना चाहते हैं तो भी आप लगा सकते हैं। दोनों विधि से आप लगा सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। इस वैरायटी की जो पैकिंग है सब मार्केट में अवेलेबल है वह 2 किलो की पैकिंग मार्केट में आती है। आपको 6 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ का आवश्यकता है। आप उतना बीज ले लें, बेरन डालकर लगा सकते हैं या फिर आप सीधी बिजाई दोनों तरीके से कर सकते हैं। इतना बीज की आवश्यकता आपको पड़ती है, 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता आपको पड़ेगी। दोस्तों अगर आप सीधी बिजाई कर रहे हैं तो आप बीज की मात्रा थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। 1-2 किलो आप बीज बढ़ा कर डाल देंगे तो कोई समस्या आपको नहीं आएगी। अगर हम बात करें दोस्तों इस वैरायटी में जो इसके जो दाने होते हैं वह कैसे होते हैं, तो दाने इसकी जो दाने की क्वालिटी होती है वह बहुत ही बढ़िया होती है। दाने इसके थोड़े लंबे होते हैं और मोटे होते हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। दोस्तों इस वैरायटी में बारिश जब हो जाती है तो यह वैरायटी गिरती नहीं है, यानी जल भराव वाले एरिया क्षेत्रों में यह वैरायटी गिरती नहीं है। इस वैरायटी की ये एक बहुत ही खास बात है और बहुत ही बढ़िया बात है। जो भी किसान भाई ऐसी जगह है उनका खेत जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तो वह इस वैरायटी को लगा सकते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। अगर आपको यह वीडियो किसान भाई अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको उन किसान भाइयों की बात भी सुनवाएंगे जिन किसान भाइयों ने इसे पिछली बार लगाया था, उन्हें इससे क्या मुनाफा हुआ, उन्होंने क्यों लगाया था और क्या फ़ायदा हुआ, पूरी बात आप उनके मुँह से सुने, जिससे आपको ज़्यादा भरोसा हो इस वैरायटी के प्रति और एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। दोस्तों दोनों ही वैरायटियाँ बहुत ही अच्छी है। कुछ किसान भाई ऐसे होंगे जो यह जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन बेटर है, तो दोस्तों दोनों ही वैरायटियाँ अपनी जगह बेटर हैं। 127 को यदि आप लगाना चाहते हैं तो यह आपको ज़्यादा उत्पादन देती है। इसकी उत्पादन क्षमता 30 से 35 क्विंटल के बीच में है और 134 की उत्पादन क्षमता 30 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से है। 134 खाने में थोड़ा ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा स्वादिष्ट है। अगर आप खाने के लिए लगाना चाहते हैं तो 134 लगाएं, यदि आप अगर बेचने के लिए लगाना चाहते हैं तो 127 लगाएं। मैं सवाना का 127 कम से कम 7-8 साल से उपयोग कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया बीज है और बहुत ही पैदावार है, लेकिन इस बार मैंने सवाना का 127 DSR यानी कि सीधी बिजाई की है। सीधी बिजाई में मेरे को बहुत बढ़िया लगा है। खर्चा कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपये कम होता है, पानी की बचत होती है, लेबर से बड़ा किसान परेशान है। इसमें कोई परेशानी है, सिर्फ एक बार DSR करो और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास 1 एकड़ में से 34.5 क्विंटल 127 का DSR में निकला है और इससे मैं बहुत खुश हूँ। किसान भाइयों इस बार तो मैंने 2 एकड़ में ही सीधी बिजाई की थी 127 की, लेकिन अगले साल 10 के 10 एकड़ 127 और सीधी बिजाई ही करनी। करीबन 6-7 साल हो गए मुझे खेती से जुड़े हुए, मैं खेती करता हूँ। जैसे धान लगाते हैं तो सबसे बड़ी उसमें दिक्कत आती है हमें कि सही बीज कौन सा लगाएं। गलत बीज चुना गया तो उसमें स्प्रे करते रहो, बीमारियां आती रहती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं जिससे कि किसान का बहुत नुकसान होता है। ये मेरा 3रा साल है सवाना परिवार से जुड़े हुए। इस साल तो मैंने अपनी सारी जमीन में 134 ही लगा दिया। हर पेड़ पे इसके बाल आती है, संघना बीज लगाना पड़ता है और खाद बिल्कुल नामात्र डलता है इसमें, करीबन 2 कट्टे यूरिया। और दूसरी बात है ना, इसमें कोई ज़्यादा बीमारी आती है, पीला रतवा तो ना बराबर आता है। मैं काफ़ी संतुष्ट रहा, मेरा जो झाड़ रहा वो करीबन 30 से ऊपर ही रहा 1 एकड़ में। मैंने तुलना की अपने पड़ोसी भाइयों से जिन्होंने और बीज लगा रखे थे हाइब्रिड, तो मेरा करीबन 30-31 की एवरेज आई, उनकी 28-29 भी नहीं पड़ी। तो मेरे को सीधा सीधा एक जगह तो 4 हज़ार का वैसे ही मुनाफा हो गया, जैसे 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल फालतू निकल गया पर एकड़। उसके बाद 134 जो बीज है ये बहुत मंदरा साइज है, इसका ज़्यादा बढ़ता नहीं है, जिस वजह से ये काफ़ी अच्छा रहता है और एंड तक हरा रहता है, जिसकी वजह से पूरी बाल में दाना अच्छे से भरता है। सूखी हो गया, मैंने सवाना का बीज चुन लिया 134, जिस वजह से मेरा टाइम बचा, मेरे पैसे बचे। जितने भी मेरे किसान भाई हैं उनसे एक
बात जरूर दिल से कहना चाहता हूँ, मेरी बात मानो ना ना मानो, सवाना कंपनी का 134 बीज लगा के जरूर देखना। आप खुद कहोगे कि भाई भाई ने बात कही थी तो दिल से कही थी और सच्ची कही थी।